कमगा उच्च माध्यमिक विद्यालय रे आज वेद प्रचार समिति बरगड़ पक्षर महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म द्विशतवार्षिकी अवसर रे ज्ञान ज्योति पर्व प्रसार संदेश वितरण करने उद्देश्य आयोजित ही कार्यक्रम समुपस्थित विद्यालय समादरणीय अध्यक्ष महोदय समस्त अध्यापक अध्यापिका वृंद वेद प्रचार समिति समस्त कर्मकर्ता वृंद एवं उपस्थित छात्र छात्री परम पिता परमात्मा महत पंपा एक प्रशांत वातावरण हमें किसी विचार करने मनुष्य जीवन समवेत परिवेश आम जो उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे एटिका से गोटे बहुत भल जिन अनुभव है जो महापुरुष जन्म द्विशत वार्षिकी आम पालन करने स्मृति चारण करने संदेश को जनमानस उज्जीवित करने अभियान कर कमगा उच्च माध्यमिक विद्यालय से महर्षि स्वप्न साकार होवार आपण मान भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती ना के जन जान बहुत बढ़िया बहुत पिला जान अच्छा मामा तुम कह महर्षि दयानंद सरस्वती कौन काम करते गोटे वाक्य कौन कह आज्ञा वेद प्रचार करते हाँ महर्षि दयानंद सरस्वती वेद विषय शिक्षा दे मन कर स्थान यात्रा होच हम जामें बेसी न जाणले जदि कौन छुआ टे धोती टे पिंधि थो बेस हाथ में धनु तीर धरी थी आम भाव ये राम बेस कहीं आम गोटे धारणा हो जाइए आम धनुर्पाण धारी हिसाब से राम को सर्वोच्च मान्यता परिचय जदि किए चक्र धरला आम भाव ये चक्रधारी श्रीकृष्ण सेमती जदि क्या गेरुआ वस्त्र पिंधे दि जाए आम तो भाव गेरुआ वस्त्र पिंधे ये साधु सन्त से गेरुआ वस्त्र भितर जदि हाथ में पुस्तक धरी दि जाए वेद लिखी दि जाए लोक विचार करेंगे ये है महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती परिचय ये है वेदर उद्धारक ऊनविंश शताब्दी जितेबले विदेश आक्रमणकारी षड्यंत्र कारण भारतीय संस्कृति लुप्त प्राय स्थित को आसीगला से भारतीय संस्कृति साहित्य परंपरा आपको आउ थे पुनरुद्धार करने जो महात्मा महापुरुष कायमूल वाक्य प्रचेषा कले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अच्छा तुम मान जीवन में महर्षि दयानंद सरस्वती कौन अवदान अच्छी भारत वर्ष रे एक स्थिति अष्टा वर्षा भवेद गौरी नव वर्षा च रोहिणी आठ वर्ष रे झियो हेले ताकु गौरी कहा जीवो नौ वर्ष हेले ताकु रोहिणी कहा जीवो दस वर्ष हेले ताकु रजस्वला कहा जीवो
एवं 10 वर्ष भीतर झीर बाहर पटिया एक परिस्थिति भारत वर्ष तार परिणाम भारत बाल्य विधवा संख्या बढ़ी 10 वर्ष बयस बाहर पड़े आग कले मेडिकल फैसिलिटी ना जो पिला किसी बेमार मरीगला 10 वर्ष झीटा जहाँ बाहर पड़ा से 10 वर्ष पिता तेणु बाल्य विधवा संख्या बाल्य बह कारण बढ़ महिला मान को कौन सी स्वतंत्र भाव अधिकार ना हाथ लंबर ओहणा घोड़ा पड़ा टाणे पड़ा बाहर को बाहरी पार पाठ पढ़ापरि से अक्षर बर्जित हो घर आंथ कण रहीजाक विरोध में सर्वप्रथमे शास्त्र आधार में जदि किए विप्लव करते सी हेले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती नारी शिक्षा पई महिला मानव शिक्षा पई शास्त्र आधार दे जो प्रयास कले प्रयत्न कले एक पुस्तक लिखले आपण मानकर विभाग रे इकोनॉमिक्स अछि जो माने इकोनॉमिक्स पढ़ंती से माने काल मार्क्स को जानंती जानंती कि नहीं जानंती कौन करथिले तांकर जो सर्वहरार विप्लव थिला तांकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थिला समस्तों को समान अधिकार मिलिबो सर्वहरा को मध्य आउथरे सम्मान समाज रे मिलिबो आर्थिक वैषम्य दूर हबो आप तांकर जो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विचार आसिला काल मार्क्स समकालीन हेले महर्षि दयानंद सरस्वती से जो भाई भाव आर्थिक वैषम्य दूर करने संघर्ष कले महर्षि दयानंद सरस्वती सामाजिक वैषम्य दूर करने भारत वर्ष महान प्रयास कले एवं 3.5 मास सी जमी पुस्तक लिखी थे महर्षि दयानंद सरस्वती 3.5 मास महिला मान बहुत उच्च सम्मान दवापी शास्त्र आधार में जो पुस्तक लिखे नाम सत्यार्थ प्रकाश गूगल को यूट्यूब को जाके सर्च करे तुम जान पाए समग्र विश्व रे एक नवीन क्रांति उनविंश शताब्दी रो जो नवजागरण हला जो नवीन क्रांति हला अस्पृश्यता दूर करिवा क्षेत्र महिला मानव को शिक्षा दवार क्षेत्र तेना प्रत्येक झील मैंने हमें मैंने आज जो पाठ पढ़ पार ता पे बड़ अवदान कहार ना तो मुझे जाना ना सी कौन कर ये दुर्भाग्य कि नहीं कौन मैडम आड़िया बुझे तो जहाँपाई आम आग को गले बहुत समय लोक कहले नारी तो पैर की ज्योति होती है तो महर्षि दयानंद कहले वो तो पैर की जूती नहीं शीश की ताज कहीं वेद अहम केतु अहम ऊर्ध्वा अहम उद्रिय विवाचनी केतु शब्द अर्थ हो पता घर ऊपर लगाए तेना महर्षि दयानंद सरस्वती कहले महिला मैंने गृहर पता सदृश तेणु ये बहुत आनंद लगला जितेबाद आम परिचय करते महाविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महिला महाविद्यालय अच्छी एवं अधिक भाग 75% छात्री ये पढ़ापढ़ी करती तेणु मत लगला ऋषि दयानंद जन्म 200वीं वार्षिकी आम ठीक जगह पहुंचे तो महिला मान बहुत सम्मान दायित्व दिखाई जहाँ को जी सम्मान तार से अधिक ये मोबाइल चल भाष ये मस्तिष्क भी चल चंचल कर दिए गुगुल तो आम चिंतन करें
विशेषकर ये पिला मैंने झील पिला मैंने अच्छे अधिक संख्या आम जी अधिका संस्कारित हो प्रथम कथा हूँ आम समस्त मनीष नहीं मनीष कि नहीं तो मनीष क्या कहती जे प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक कर माता पिता मैंने संतान जन्म दिखती कौन कहीं संतान जन्म दिखती संतान शब्द अर्थ है जी सम्यक भाव सुंदर भाव ठीक भाव माता पिता गुण माता पिता कुल वंशर उत्तम गुण कर्म स्वभाव को आग को प्रसारित करते आग को बढ़ाते सी वास्तव में उत्तम संतान से पुत्र हो पारे से कन्या अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ना प्रमाण शुणी समस्ते बापा ना जानते कौन थिला अच्छा तांको बापा ना कौन थिला लवकुश देख आम दशरथ ना जाने बापा ना अज थिला तो दशरथ ना आम जाने आम राम ना भी जान कहीं दशरथों अपेक्षा राम अधिक उत्तम गुण कर्म तेज वीर्य संपन्न है दशरथ रावण विजय प्राप्त कर श्रीरामचंद्र रावण विजय प्राप्त मन रखी अच्छा श्रीरामचंद्र संतान किए थी ना क्या गुण लभ कहीं मन रखे ना लभ अवकाश राम अधिक वीर हेले अच्छा लव कुसंग पुआ झील ना क्या मन ना प्रायतः इतिहास रे जो मैंने प्रसिद्ध हमारी से कथा इतिहास रे स्थानित हुए समस्त कथा रहे जो मैंने समाज रे विशेष कार्य करती उल्लेखनीय अवदान जो मान इतिहास को अच्छी इतिहास रे से नाम स्थानित हुए तुम्हारे परिवार उद्देश्य कौन श्रीरामचंद्र भी दशरथ संतान हेले माँ बापा अधिक योग्य है लव कुश भी योग्य संतान हेले श्रीराम जी गुण कर्म स्वभाव को बापा मांग आग को बढ़ाइ समाज मन रख अच्छा तम दीटा कम तो तुम्हें मैंने तुम माँ बापा गुण कर्म स्वभाव भल कम को बढ़ेब ना बुढ़ेब संतान आगे आम सु भी जोड़ी पार कू भी जोड़ी पार बुढ़े हाँ बढ़े तुम्हें कौन हम सुसंतान हम माता पिता सुसंतान हम कह सुगुण सब आने पड़ो मन करंतु तमो माँ मन करंतु तमो माँ को भीतरे तमो माँ बहुत पाठ पढ़ना थे नहीं आम जानते आम माँ आम आई आम जेजेमा एम बेस पाठ पढ़ना थे किंतु से बहुत लोक पर चल पारे आजिकल पुह मैंने झील मैंने बहुत पाठ पढ़ुं एम ए बी ए पी एच डी खाता लेखी 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 डिग्री डिग्री कागज सर जाते पाठ पढ़ुंजे से जड़े दिज स्वामी स्त्री पु झी भी निजे आज जन मैनेज कर कहीं बहुत पाठ पढ़े तेनाली आम आम माँ आम जेजेमा आम झील मैंने आम भल गुण शिखा पाठ न पढ़ी केमी मैनेजमेंट कर से एमबीए मैनेजमेंट पढ़ु ना होटल मैनेजमेंट पढ़ुंट ना बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ु लाइफ मैनेजमेंट कर आम बेस पाठ पढ़ले जत पढ़ा हाँ तुम कर
आमे जति के अधिका पढ़िले आमे धीरे धीरे आमर बुद्धि भ्रष्ट होवा आरंभ है। तर मु आशा कर जे आमो पिला माने कम से कम तहा हेबे ना होबो। हां जी बहुत बढ़िया। किन महर्षि दयानंद सरस्वती कहले पुत्र काल को हम जेमि कन्या पुत्र और कन्या व्यक्ति माने संतान जन्म दे पुत्र नाम नरक से तस्मात रायते माता पितांगर दुख अवस्थारण हो संस्कृत समान को जरा है गला वार्धक्य है गला से भली नरक दुख रु जो माने सहाय्य करंती सेवा करंती उद्धार करंती से माने पुत्र तेन माता पितांगर सेवा करिवा सेतबेले आमे पुत्र हो पाइबा। आउ कन्या कस्मात् कमनीया भवति कन्या काउ कहंती कमनीय माने सुंदर जो मानकर गुण कर्म स्वभाव पवित्र सुंदर आचरण सी कन्या तेना सब कन्या आजिकाल सुंदर हवा को चिंता कर सुंदर हबार सब भल माध्यम कौन ब्यूटी पार्लर स्वामी विवेकानंद विदेश भी जाते स्वामी विवेकानंद जी को किए देख चित्र आपाद मस्तक आवृत सन्यासी मस्तक पगड़ी एवं जो वस्त्र पिंधे मुंडर गोड़ पर्यंत तो जो मैंने मिनी स्कर्ट पिंधा लोक तक विचित्र लगे तो से विचार कले हाफ पैंट आउ मिनी स्कर्ट पिंधिक दिज जाऊ व्यक्ति पुरुष स्त्री देखते ये गोटे कौन विचित्र प्राणी मुंडर गोड़ पर्यंत पिंधन से भावते आंठू उपरू पिंधा जाऊँ पा ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆଇ ଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କିଏ ଇଏ ଭଳିଆ କଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛ ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଯୋଉ ଦେଶରେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା ବାରିକ ଦୋକାନରେ ନା ଭୋଗ ଦୋକାନରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ବା ଦରଜି ଦୋକାନରେ ଆଉ ବାରିକ ଦୋକାନ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୋଉଠି ତିଆରି କରୁଛେ ନା ଆମେ ଦରଜି ଦୋକାନରେ ଆମେ କଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ ଆମେ କୋଉ ପାର୍ଲରରେ ଛୁଟି କାଟିଲେ ସେଇଟା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଉପରଟା ସିନେମା ହିରୋ ଭଳିଆ ଥିଲା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ହିରୋ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସୁନ୍ଦରଟା ବାହାରେ ଅଛି ନା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଥିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଶାନ୍ତ ହବ ପବିତ୍ର ହବ ନିର୍ମଳ ହବ ଧୀର ସ୍ଥିର ହବ ଉଦାର ହବ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଏ ପଦାର୍ଥ କେବେ ଦୂର ହବ। ବାହାରେ ଯେତେ ଗୋରା ଚେହେରା ହେଲେ ଯେତେ କଳା ଚୁଟି ଥିଲେ ବି ଧଳା ହବ ଯେତେ ଗୋରା ଚେହେରା ଥିଲେ ବି କେବେ ମଣି ନ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସ୍ନେହ ଗୁଣ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି ଧୀର ସ୍ଥିର ସଂଯମ ହବାର ଗୁଣ ଅଛି ନମ୍ର ହବାର ଗୁଣ ଅଛି ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ତେଣୁ କନ୍ୟା କଶ୍ମୀର କସ୍ମାତ୍ କମନୀୟା ଭବତି ଅର୍ଥାତ୍ କମନୀୟ କ'ଣ ନା ଗୁଣ କର୍ମ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବେଶି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ବଗ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଇଲି କୋଉଟା ତମକୁ ପ୍ରିୟ ହବ ବଗଟା ଗୋରା ପ୍ରିୟ କୋଉଟା ହବ ଦେଖିବାକୁ କଳା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ମଧୁର
ଆମକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତମେ କଣ ହବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମେ କଣ ହବା ଭୋଗ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ହଉଛେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବା ସେଟା ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ବିଚାର କରିବା ଏଇଟା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମତେ କହୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ କହୁଥିଲେ ଏଇଠେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାତା ପିତା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟି ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ